मुझे हिंदुस्तानी होने पे बहुत गर्व महसूस होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मगर 100 किलोमीटर की दूरी पे निकल जाऊँ तो एक नई भाषा, नया व्यंजन और एक नई संस्कृति देखने को मिल जाती है। हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है और अपने व्यंजन है। ढोकला, फाफड़ा, मोमोज, इडली, समोसा, छोले भटूरे, बिरयानी, ना जाने क्या क्या। पर अक्सर एक बात का दुख भी महसूस होता है, जहाँ हमें ये सब प्रदेश एक दूसरे की बोली, भाषा और व्यंजन और संस्कृति से बांधे रखते हैं, वहीं नामात्र कुछ तुच्छ लोग, शायद मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, कुछ तुच्छ लोग हमें वोट की राजनीति के लिए बांटने में लगे रहते हैं। और अदम गुंडावी की कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ और शायद आप लोगों की सोच बदल सके उस कविता के जरिए, ये आशा करता हूँ। अदम गुंडावी, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। इसमें कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है। दफ्न है जो बात, उस बात को मत छेड़िए, अब उस बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं, गर गलतियां बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहाँ हिटलर, है कहाँ हिटलर, हलाकू, जार या चंगेज खां। मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए जनाब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे, मजहबी नगमात को मत छेड़िए, मजहबी नगमात को मत छेड़िए। दिल से फड़फड़ाते पांडे जी।